आज की इस वीडियो में हम जेल पुलिस के पेपर को डिस्कस करेंगे। जेल पुलिस का पेपर जो कि 20 अगस्त 2023 को मुनक़िद हुआ है, ये पेपर CTS की तरफ से लिया गया है। तो इस वीडियो में हम जेल पुलिस के आज के होने वाले पेपर के तमाम सवालात जवाबात के साथ डिस्कस करेंगे। तो जेल पुलिस पेपर में सबसे जो ये सवालात थोड़े रेगुलर होंगे, लेकिन हम तमाम जो है सवाल को डिस्कस करेंगे। 50 सवाल दिए गए थे आज के जेल पुलिस के पेपर में, और 100 नंबर का पेपर था, एक MCQs के 2 नंबर थे। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सवालात को डिस्कस करते हैं। दिए गए सिलसिले में सिलसिले को मुकम्मल करें। 9, 11, 20, 31-82। अब 9 और 11 के दरमियान 2 का वक्फ़ा है, 11 और 20 के दरमियान जो है 9 का वक्फ़ा है। तो 20 और 31 के दरमियान फिर जो है 11 का वक्फ़ा है, 31। और अब देखें, पहले 9 और उसमें 2 का गैप था तो 11 आया। अब 11 में हमने कितने ऐड किए? 9 ऐड किए, यानी कि जो हमारा पहला हिस्सा 9 है ना, तो हम इसमें 9 ऐड करें तो 20 बन जाएंगे। अब 20 में अगर हम फिर 11 ऐड करते हैं तो 31 बन जाता है, जो कि आगे 31 भी दिया गया है। अब 31 में हम लाजमी तौर पे पीछे जो 20 है वो 20 ऐड करेंगे। जब 20 ऐड करेंगे तो उसका जवाब 51 बनेगा। अगर काला सफ़ेद कहलाता है, सफ़ेद सुर्ख कहलाता है, सुर्ख गुलाबी कहलाता है, तो गुलाबी जो है हरा कहलाता है, तो इंसान के खून का रंग क्या होता है? अब उसने बताया है कि अब हमें पता है हम इंसान के खून का रंग सुर्ख है, तो उसने कहा है कि सुर्ख जो है गुलाबी कहलाता है, उसने ये हमें कंडीशन दी है। तो अगर सुर्ख गुलाबी कहलाता है तो हमारे खून का रंग हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? गुलाबी सिलेक्ट करेंगे। हालांकि हमारे खून का रंग गुलाबी नहीं है, सुर्ख है, लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक हम गुलाबी को टिक करेंगे। अगर जमील मूसा से बड़ा है और रिहान हमजा से बड़ा है तो जमील हमजा से। अब यहाँ पे इसने जमील और मूसा का आपस में कंपैरिजन बताया है, जबकि रिहान और हमजा का बताया है, तो इसमें हम सही जो है कंडीशन नहीं पहुँच पाते। तो हम ये इसको लगाएंगे कि बताए अपना जवाब बताने के लिए मालूमात नाकाफ़ी है, ये हमने टिक करना है। उसके बाद है दरख्तों की कतार में ए दरख्त दोनों तरफ से 5वें नंबर पर है, तो इस कतार में कुल कितने दरख्त हैं? यानी कि अगर हम आगे से काउंट करें तो एक दरख्त 5वें नंबर पे आता है, अगर बैक से काउंट करें तो फिर भी वो 5वें नंबर पे आता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से वो 5वें नंबर पर है, तो उसके आगे भी 4 दरख्त होंगे जबकि उसके पीछे भी 4 दरख्त होंगे, तो टोटल जो है कतार में 9 दरख्त होंगे, तो 9 वाला ऑप्शन ठीक है। अगर पीर जाहिर करता है, ये मैंने सवाल यहाँ पर थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, सॉल्व करें तो इसका आंसर 53 आता है। उसके बाद है पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने वाली टीम का सरबराह कौन था? पाकिस्तान ने जो 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए थे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस टीम के सरबराह थे। अगला सवाल है अंग्रेज़ी ज़बान के कितने हरूफ रोमन हिंसों में के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? यानी कि जैसा कि हम अगर देखें तो आई को हम 1 कंसीडर करते हैं, और वी को हम 5 लिखते हैं, एक्स को हम 10 लिखते हैं, तो इस तरह से 7 इसका दुरुस्त आंसर है। उसके बाद है ज़ाफ़रान की फसल एशिया में कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? कश्मीर में। सुर्ख रंग को जब नीले रंग से मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? जामनी। कतर का दारुलहुकूमत दोहा। तुर्की के मौजूदा सदर का नाम तैयब अर्दोगान है। किसी ज़बान के बुनियादी इकाई क्या होता है? किसी ज़बान के बुनियादी इकाई एराब होते हैं। किसी सरहदी गुजरगाह से उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन पाकिस्तान में दाखिल होगी? कुलाची क्रॉसिंग। मौजूदा स्थान हिजरी कौन सा है? 1445। बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसने की थी? शहबाज शरीफ ने। यह मैंने अपने चैनल पे जो नोट्स सेंड किए थे करंट अफेयर के, उसमें यह सवाल शामिल था। और अगर हम कंपैरिजन करें तो इससे पहले जो जेल पुलिस के पेपर हुए हैं उनकी नस्बत जेल पुलिस का पेपर जो आज हुआ है उसकी नस्बत थोड़ा आसान था। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कफूर होना के क्या मैनी है? इसका सवाल आपने जवाब कमेंट में देना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका सही टिक लगाया है या नहीं।
उसके बाद है कि जोश व खरोश का मुतरादिफ़। मुतरादिफ़ कहते हैं यानी कि जिनके हम माने अल्फाज, उसने ब्रैकेट में लिख भी दिया आसानी के लिए। तो इसका सही आंसर था जज्बा। और इस स्टेटमेंट में उसने आगे जो है ख़त कशीदा लफ्ज़ का मुतादाद लगाकर जुमला मुकम्मल करें। मुतादाद का मतलब होता है उसका उलट हमने बताना होता है। तो उसने कच्चे को जो है नीचे लाइन लगाई हुई है, ख़त कशीदा किया हुआ है, तो कच्चे का मुतराद उलट क्या होगा? पक्के, यानी कि पक्के बर्तन में भट्टी में पका कर जो है वो डैश कर लिए जाते हैं, पक्के कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पक्के। नेक्स्ट है हमारे पास बल्कि मगर लेकिन। ग्रामर के रूप से हरूफ इस्तदारक हैं। इनमें से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त लिखा गया है? नाराज़ी, नाराज़गी जो है, बी ऑप्शन। नमकदान ग्रामर के रूप से क्या है? इसम आला है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो आला के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो इसका आंसर था इसम आला। आज हमको छुट्टी है, जुमला दुरुस्त करें इसे। इसका डी ऑप्शन है, हमें आज छुट्टी है। उसके बाद है जायज़ ख्वाहिशात की तकमील डैश का बाइस है, इत्मीनान का बाइस है। तमाम मज़हब किस बुनियादी नुक्ते पर मुमासलत रखते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं? तमाम मज़ाहब दुनिया के अल्लाह ताला की वहदानियत पे। ये तमाम मज़ाहब हैं जो दुनिया के, उनका ये अकीदा है अल्लाह ताला एक है। तो अल्लाह ताला की वहदानियत इसका राइट आंसर है। ये जेल पुलिस का पेपर है। मज़ीद सवाल हम डिस्कस करते हैं जेल पुलिस के आज होने वाला पेपर, जो कि 20 अगस्त 2022 को मुनाकिद हुआ। हम इसके बाकी सवाल भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद है कि एक अच्छा इखलाकी किरदार क्या है? इसका ए ऑप्शन ठीक है। कुदरत के कवानीन इखलाकी कवानीन से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ये इसका दुरुस्त आंसर है। इंजील के क्या मानी है? इंजील के मानी है अच्छी खबर। नमाज इस्तस्का किस लिए अदा की जाती है? नमाज इस्तस्का बारिश के लिए अदा की जाती है। रिश्वत देने वाले को राशि कहते हैं। क्विकेस्ट गेट द बॉल इट रोल डाउन द हिल। माई पेंसिल इज़ ब्रोकन कैन आई बोरो यूअर्स। दीज डेज ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम चीपर। द डैश इसका आएगा रनिंग डेंजर। उसके बाद है शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। आई वेक अप एट 6 o'clock। 6 o'clock ये क्या है? टाइम है। चूज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ प्राउड। प्राउड का मतलब होता है फ़ख्र महसूस करना, तो इसका जो अपोजिट उलट मीनिंग आएगा वो आएगा हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है अवॉइडेंस, इसका अपोजिट मीनिंग आएगा परस्यू, बी ऑप्शन। चूज़ द सेम मीनिंग ऑफ स्वेल, इसका आंसर है सी ऑप्शन, इनलार्ज। चूज़ द सेम मीनिंग ऑफ मेडर्ड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, वंडर्ड। उसके बाद मैच के क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करें तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। एक गाड़ी 20 लीटर पेट्रोल 150 किलोमीटर फासला तय करती है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 13 में 6, 8 और 4 की तकसीम होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो इसमें आएगा 24। सवाल नंबर 14, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां थी, तो इसका आंसर अगर इसको हम सॉल्व करें तो 26 इसका करेक्ट आंसर है। एक दायरे का कतर 7 सेंटीमीटर है, इसका रदास कितना होगा? तो इसका ऑप्शन है सी, 3.5 सेंटीमीटर। दर्जल में से कौन सा जो है सबसे छोटी है? इसमें 14/33 सबसे छोटी है। 17 को अगर हम ऑल नंबर सेल और ड्यूटी ऑप्शन जो है वो करेंगे, इसलिए और एक मोटर लेना है कि वो हमारे लिए 20 है। पेट्रोल और सस्ता वगैरह जो है बी ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। ये जेल पुलिस के आज का होने वाला पेपर था, जेल पुलिस पेपर 2023, जो कि 20 अगस्त 2023 को हुआ। और जिन लोगों के 30 से ऊपर नंबर बनते हैं इसके मुताबिक, तो वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरिट का फार्मूला बताऊंगा कि कितने परसेंट आपके मैट्रिक के नंबर काउंट होंगे, कितने परसेंट आपके पेपर के नंबर, और कितने परसेंट आपका इंटरव्यू मैटर करता है।